आतंकवाद हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खतरा है। हम दोनों देशों ने इस समस्या को डटकर मुकाबला किया है। पिछले साल अप्रैल में श्रीलंका में ईस्टर डे पर दर्दनाक और बर्बर आतंकी हमले हुए थे। ये हमले सिर्फ श्रीलंका ही नहीं पूरी मानवता पर भी आघात थे, और इसलिए आज की हमारी बातचीत में हमने आतंकवाद के खिलाफ अपना सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा की। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि भारत के प्रमुख ट्रेनिंग संस्थानों में आतंकवाद विरोधी कोर्सेज में श्रीलंका के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लेना शुरू किया है। प्रधानमंत्री राजपक्ष और मैंने मछुआरों के मानवीय मुद्दे पर भी चर्चा की। इस विषय का प्रभाव दोनों देशों के लोगों के जीवन यापन पर सीधे रूप से पड़ता है, और इसलिए हम उस मुद्दे पर कंस्ट्रक्टिव और मानवतापूर्ण अप्रोच जारी रखने पर सहमत है। फ्रेंड्स, श्रीलंका में रिकंसिलिएशन से संबंधित मुद्दों पर हमने खुले मन से बातचीत की। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका सरकार यूनाइटेड श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की अपेक्षाओं को साकार करेगी। We agree that our cooperation is multifaceted, with the priority given to a number of areas, including security, economy, culture, and social sectors. A part of our discussions centered on cooperation regard to the security of our two countries. India has always assisted Sri Lanka to enhance our capabilities in intelligence and counterterrorism, and we look forward to continue support in this regard.